गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट 4 स्टार्ट कर रहे हैं जिसका टॉपिक है पहला कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल आप जानते हैं, कॉम्प्लेक्स कोई भी वेरिएबल होगा यानी उसमें आई आएगा इमेजिनरी पार्ट, यानी एक्स प्लस आई वाई इज़ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। तो उसे हम जैसे डिनोट करते हैं, जेड बराबर एक्स प्लस आई वाई, ये होती है कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है। और जैसे तो ये तीन फॉर्म होती है, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई जो कि कार्टेशियन है, एक्स बराबर आर कॉस थीटा, वाई बराबर आर साइन थीटा आप जानती हैं, तो वो रख देंगे तो इसकी पोलर फॉर्म बन जाएगी जो हो जाएगी जेड इज इक्वल टू आर कॉमन आ गया कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। और कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा क्या किसके बराबर होता है, ई की पावर आई थीटा के। तो तीसरी फॉर्म बन जाएगी जेड बराबर आर ई की पावर आई थीटा, ये हो जाएगी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो तीन फॉर्म हो गई, कार्टेशियन, पोलर और एक्सपोनेंशियल। अब इसके बाद आता है फंक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। इसे हम अगर एफ जेड को हम कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का एक फंक्शन कहें तो, और डब्लू से डिनोट करें तो डब्लू बराबर हो जाएगा यू प्लस आई वी, वेयर यू आर द रियल पार्ट एंड वी इज द इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट दे रखे हैं, साइन एक्स का फार्मूला, कॉस एक्स का फार्मूला, ई की पावर आई एक्स का, ई की पावर माइनस एक्स का, जो आप जानते हैं ये बेसिक फार्मूले हैं, ये आपको पता होने चाहिए बस। उसके बाद अगर कोई फंक्शन हमें z बराबर x प्लस आई वाई दे रखा है तो उसमें ये हो गया fz बराबर हो गया, उसका फंक्शन बने क्या हो गया fz बराबर यू एक्स वाई प्लस आई वी एक्स वाई, यानी u प्लस आई वी बेसिकली। तो u हो गया रियल पार्ट और v हो गया इमेजनरी पार्ट, ठीक है। अब कोई भी फंक्शन fz दे रखा होगा तो निश्चित बात है जिसके साथ i आ रहा है वो हो गया इमेजनरी और जिसमें i नहीं है वो हो गया रियल। उसके बेस पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डेरिवेटिव ऑफ एफ जेड, यू बराबर एफ जेड बी ए सिंगल वैल्यूड फंक्शन ऑफ द वेरिएबल जेड इज इक्वल टू एक्स आई प्लस आई वाई। तो आप एक चीज़ जानते हैं, डिफरेंशियल क्वेश्चन यानी डिफरेंशिएशन जब करते हैं तो वो लिमिट के साथ फार्मूला क्या होता है, लिमिट के साथ फार्मूला होता है यानी यू का अगर डिफरेंशिएशन करें यू बटे जी जेड, यानी एफ डैश जेड बराबर लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू जीरो एफ डेल्टा जेड टेंस टू जीरो एफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड बटे डेल्टा जेड, ये बेसिकली डिफरेंशिएबिलिटी का फार्मूला होता है, ठीक है। अब बात करते हैं, एक चीज़ होती है एनालिटिक फंक्शन। इफ फंक्शन एफ जेड इज सेट टू बी एनालिटिक एट ए पॉइंट जेड जीरो इफ एफ इज ए सिंगल वैल्यूड एंड डिफरेंशिएबल नॉट एनली एट जेड जीरो बट एट एवरी पॉइंट ऑफ सम नेबरहुड ऑफ जेड जीरो, यानी कोई भी फंक्शन तभी एनालिटिक है जब वो एक सिंगल वैल्यूड हो, एक सिंगल वैल्यूड पे ही होगा और डिफरेंशिएबल हो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं बल्कि उसके पास वाले पॉइंटों पर भी, ठीक है। जैसे एफ जेड बराबर ई की पावर एक्स कॉस एक्स प्लस आई साइन वाई है, तो आप जानते ही हैं ये ऑन किसी डोमेन डी में पूछ कह रहा है एनालिटिक है, तो ये डी पे ही नहीं उसके आसपास के नेबरहुड पॉइंट्स पे भी एनालिटिक कहेगा। अगर कोई फंक्शन एफ जेड एनालिटिक है अगर वो जेड इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे है तो हम कहेंगे देन फंक्शन एफ वन अपॉन जेड इज एनालिटिक एट जेड इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। एंटायर फंक्शन फंक्शन विच इज़ एनालिटिक एट एवरी पॉइंट, तो वो एंटायर कहलाएगा, ठीक है। इसके बाद आती है मेन चीज़ है नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन ऑफ एफ जेड टू बी एनालिटिक। कोई भी फंक्शन एनालिटिक है या नहीं है उसकी सफिशियंट एंड नेसेसरी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे हम कहते हैं कॉची रीमैन इक्वेशन, सी आर इक्वेशन, ठीक है। तो देखिए स्टेटमेंट, द नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन ऑफ द फंक्शन w बराबर एफ जेड यू प्लस आई वी बी एनालिटिक इन ए रीजन r इफ, इसकी दो कंडीशन है, ये कॉन्टीन्यूअस फंक्शन हो, ठीक है, इन द रीजन r, देन सेकंड वन इज डेल u ओवर डेल x बराबर डेल v ओवर डेल y और डेल u ओवर डेल y बराबर माइनस डेल v ओवर डेल x, डेल मतलब पार्शियल डेरिवेटिव। द कंडीशन सेकेंड इज नोन एज कॉची रीमैन इक्वेशन, दैट इज सी आर इक्वेशन, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसे याद करना है हर हाल में, ये कंडीशन यूज़ होती है बहुत ज़्यादा और इसका प्रूफ भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। पहले बात करते हैं प्रूफ की, नेसेसरी कंडीशन की, तो w बराबर एफ जेड बराबर u प्लस आई वी है तो एनालिटिक है, ये तो होता ही है एनालिटिक है, तो डी डब्ल्यू ओवर डी जेड बराबर एफ डैश जेड एग्जिस्ट यूनिकली एट एवरी पॉइंट, ठीक है। z बराबर u प्लस आई वी है तो डेल्टा z बराबर डेल्टा u प्लस आई डेल्टा v, z प्लस डेल्टा z निकाल लिया, वैल्यू रखी और इसकी वैल्यू निकाली, ठीक है। डेल्टा x डेल्टा y भी इंक्रीमेंट इन x एंड y, ठीक है। डेल्टा u डेल्टा v डेल्टा z भी विद आर कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीमेंट इन u v एंड w, तो f डैश z का जो फार्मूला था वो लिख लिया है, लिमिट डेल्टा z टेंस टू जीरो एफ जेड प्लस डेल्टा z माइनस एफ जेड बटे डेल्टा z, इसमें वैल्यू रख दी है,
जब वैल्यू रखी और कैलकुलेशन करी तो हमारा बच्चा डेल्टा यू प्लस आई डेल्टा वी बटे डेल्टा जेड, ठीक है, दोनों को अलग अलग कर लिया, डेल्टा यू अपॉन डेल्टा जेड और डेल्टा वी अपॉन डेल्टा जेड, ठीक है, एक रियल पार्ट है एक इमेजनरी पार्ट है, ठीक है। आगे, सिंस द फंक्शन डब्ल्यू बराबर एफ जेड इज एनालिटिक इन द रीजन आर द लिमिट ऑफ द इक्वेशन वन मस्ट एग्जिट इंडिपेंडेंट ऑफ द मैनर इन विच डेल्टा डैश टेंड टू जीरो अलॉन्ग विद डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई इज इक्वल टू जीरो। लेट डेल्टा जेड टेंड टू जीरो अलॉन्ग लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस सो दैट डेल्टा वाई इज इक्वल टू जीरो। तो डेल्टा वाई जब जीरो, जब एक्स एक्सिस का लॉन्ग लेंगे तो वाई जीरो होता है, तो वाई जीरो होता है तो डेल्टा वाई भी जीरो हो गया, तो इसमें डेल्टा वाई की वैल्यू जीरो रखी तो डेल्टा जेड बराबर डेल्टा एक्स आ गया, ठीक है, इसमें वैल्यू रखी इक्वेशन वन में तो ये कंडीशन आ गई। बेसिकली डेल्टा डेल्टा यू ओवर डेल्टा एक्स यानी डेल यू ओवर डेल एक्स, डेल्टा वी अपॉन डेल एक्स बेसिकली डेल वी ओवर डेल एक्स, एफ डेल्टा जेड टेंस टू जीरो होने पर, ठीक है, डेल्टा जेड टेंस टू जीरो होने पर ये इक्वेशन बन जाएगी, तो एफ जेड जेड बराबर आ जाएगा, ये इक्वेशन टू आ गई। फिर फ्रॉम इक्वेशन वन हम कह रहे हैं डेल्टा जेड टेंस टू जीरो अलॉन्ग ए लाइन पैरेलल टू वाई, वाई एक्सिस पे बात करेंगे तो एक्स जीरो हो जाएगा, तो आपके डेल्टा एक्स की जीरो हो जाएगी, डेल्टा एक्स जीरो रखेंगे तो ये कंडीशन आ जाएगी एफ डेल जेड बराबर डेल वी ओवर डेल वाई माइनस आई डेल यू ओवर डेल वाई। तो ये चीज़ें आ गई, एक इक्वेशन हो गई टू, एक इक्वेशन हो गई टी थ्री, दोनों क्या चीज़ है एफ डेल जेड, दोनों एफ डेल जेड है, तो इक्वेशन टू और थ्री से ये एक दूसरे के बराबर हो गए, जब बराबर हो गए तो रियल पार्ट रियल के बराबर, तो डेल यू ओवर डेल एक्स किसके बराबर हो गया डेल यू ओवर डेल वाई के, और इमेजनरी पार्ट इमेजनरी के बराबर, तो आई वाला पार्ट किसके बराबर होगा आपस में डेल यू ओवर डेल एक्स बराबर माइनस डेल वी डेल यू ओवर डेल वाई, यानी डेल यू ओवर डेल वाई बराबर माइनस डेल वी ओवर डेल एक्स। तो ये हो गई इसकी नेसेसरी कंडीशन, सी आर इक्वेशन की सेटिस्फाई हो गई, ठीक है। अगले टॉपिक में हम करेंगे इसकी सफिशियंट कंडीशन सेटिस्फाई।